अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ कोरस खिदमात कुतुब खाना कोड 423 सता BA एसोसिएट डिग्री सेमेस्टर बहार 2023 इसकी असाइनमेंट शेयर करने लगा हूँ। एक और दो डेट की बात कर लेते हैं। 29 सितंबर तक आप लोग अपनी असाइनमेंटें अपने अपने ट्यूटर को एक साथ भेज सकते हो। इम्तिहानी मशक नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यूनिट 1-5 अगर बुक आपके पास आ गई है, आपको इधर से जवाब मिल जाएंगे। पहला सवाल खाली जगह है, उसके बाद दूसरा मुख्तसर है, तीसरा चौथा पाँचवा लॉन्ग क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद दूसरी मशक है वो भी ये सीन है। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूँगा, आप लोगों ने इधर ये स्क्रीन शॉट ले लेना है इनका, ताकि ये आप क्वेश्चन आप अच्छे से आप अपने पास लिख सको। आप मशक नंबर 1 है। और स्टूडेंट्स, मेरे पास थोड़ा शोर है क्योंकि मैं ऐसी जगह आया हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, इसलिए आपने शोर को इग्नोर करना है। आपने मशक नंबर 2 है। इंशाल्लाह मशक नंबर 3 और मशक नंबर 4 भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगा। मैं अभी चलते हैं अपने इनके आंसर की तरफ। डेट शीट मैंने आप लोगों को बता दी है, ये खाली जगह थी पहली, ये खाली जगह आगे नहीं, खाली जगह के नाम लिखे हुए मतलूबा किताबों की जैसे तनकीद, हरूफ तहजी, मुकम्मल किताबें, रेफरेंस, कैटलॉगिंग, कुतुब खाना सही रुकन, ये तो हमारी खाली जगह हो गई। 10 खाली जगह, 10 की 10 आप लोगों ने नोट कर लेनी है। ये सवाल नंबर 2 है, मुदर्रज़ ज़ेल पर मुख्तसर नोट लिखें। पहला है, कारी ज़ोक में मुताला किस तरह परवान चढ़ाया जाता है। इसको मैं स्लो स्लो लेकर चलता जाऊंगा, आप लोगों ने इसको नोट करते जाना है। कारी को बर वक्त मवाद की फरहमी से क्या नतीजा निकलता है, तलाशी राह से क्या मुराद है, दोहरे निज़ाम में किताबें महफूज करने का तरीका क्या है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन हैं शॉर्ट शॉर्ट। आज़ादाना रसाई दाखला और महदूद व रसाई दाखला में क्या फ़र्क है, ये हमारा पहला सवाल, सॉरी दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया इधर। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, कारियन की मुतालियाती ज़रूरियात क्या होती है, नीज़ कुतुब खानों के 3 मकासद तफसील से बयान करें। तसीफ़ा मकसद मवाद की दस्तियाबी, तस्वीलात, मुतला तहकीक व तज़िया, तरक्की कायरान की और सॉरी कायरान की मुतालाती ज़रूरियात। इसके बाद फिर आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन की तरफ, कुतुब खानों के 3 मकासद, मुताले का मकाम फरहम करना, तहकीकी मराकज़ का हामिल होना, तालीमी तरक्की का मरकज़ होना, और ये था हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गए हैं। आगे सवाल नंबर 4 है, किताबियात से क्या मुराद है, शाखे इकसाम और किताबियात साजी पर तफसीलन तहरीर करें। किताबियात, किताबियात की इकसाम, कौमी किताबियात, तिजारती किताबियात, तहकीकी किताबियात, मुंतखिबा किताबियात, मौजूआती किताबियाती किताबियात, किताबियाती साजी, आगे चलते हैं मरतब की खसूसियात। जो सवाल लॉन्ग हो रहा हो, आप लोगों ने उसको खुद से इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके उसको शॉर्ट कर लेना है आपने। जैसा अभी ये देखो, इंतखाब है, तरतीब व पेशकश है, ठीक, कंप्यूटर का इस्तेमाल है, जदीद टेक्नोलॉजी है, उसके बाद किताबियाती खिदमात है, इसमें से
एक दो छोड़ दो, एक दो लिख दो, क्योंकि ये सवाल से रिलेटेड उस तरह नहीं है ये, जिस तरह के ऊपर तफसील से था वो। अभी चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। नुमाइश कुतुब व मवाद का अमोर कुतुब खानी में किरदार, नेस नुमाइश कुतुब की इकसाम तफसील से तहरीर करें। नुमाइश कुतुब मकासिद, स्टूडेंट शोर बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी इग्नोर करना क्योंकि मुझे भी शोर बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए असाइनमेंट अपलोड करना भी लाजमी है। नुमाइश कुतुब की इकसाम, नौ अमूदा मौजूआती, वाकियाती, तातीलाती, मालूमाती। और ये हमारी इधर एक असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है, हमारी एक नंबर असाइनमेंट। अभी चलते हैं अपनी दूसरी असाइनमेंट की तरफ हम, जो कि इसकी सेकंड असाइनमेंट है, मशक नंबर 2 की। ये खाली जगह इसकी और खाली जगह ये लिखे हुए हैं 7.5 ज़रबे 12.5 असल मौका निगवानी महफूज अमूमी जज्वी मायदा सूरी कॉपीराइट एक्ट तहरीरी हकूक बिला वास्ता मुआजबा अलामात कैटलाग, ये इनकी खाली जगह थी। अभी चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में, इतना मुख्तसर सवाल है इसमें। इज्तिमाही कैटलाग बिन किताब बिन कुतुब खाना रियायत में क्यों ज़रूरी है? सवाल नंबर 1 है ये। उसके बाद दूसरा है मुनाकिला कारिया की ज़िम्मेदारियाँ क्या है? सवाल नंबर 3 है नेशनल बुक फाउंडेशन का इदारा किस मकसद के लिए कायम किया गया? आगे सवाल 4 है हमारा, टेलीफोन पर पैगाम लिखने के लिए किन अहम बातों पर तवज्जो देनी चाहिए? उसके बाद आगे है 5 या दहानी कार्ड क्या इस्तेमाल है? ये हमारा सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अभी चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। शोबा हवाला जाती खिदमात की स्टेनरी पर मुफसिल नोट लिखे, निज इजराई रसाइल कार्ड के कालमों और मालूमात की वजाहत करें। स्टूडेंट आज मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास शोर बहुत ज़्यादा है ना, इससे पहले थोड़ा मैं ऊंचा बोलता हूँ, लेकिन आज मैं स्लो बोल रहा हूँ आज थोड़ा मैं। शोबे हवाला जाती खिदमात की स्टेनरी इजराई रिसाइल कार्ड, मौजू तस्वीर पैगाम मुस्तलमात इम्जा, ये सवाल नंबर 3 हमारे इधर कंप्लीट हो गया है। अभी चलते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। मुसलदारी क्या है? मुसलदारी निज़ामों के फवाद बयान करें और फाइल कारी के तरीके तहरीर करें। मुसलदारी आगे हैं नेम पेश पेशावर अमले के फ़राइज, खाता नवेसी और हिसाबदारी। उसके बाद है ताल्लुकात आमा, गैर तरबियत याफ्ता गैर पेशावर अमले की निगरानी। ये सवाल नंबर 4 हमारे इधर कंप्लीट हो गया। आगे सवाल नंबर 5 है बिन कुतुब खाना रियाद क्या है? बिन कुतुब खाना रियाद के अमाल और कुतुब खानी जाल पर तफसीलन तहरीर करें। बिन कुतुब खाना रियाद अमाल, डाकी वसूली, तालीम नंबर का तयन, पड़ताल मवाद, शेलोफोन पर मवाद का मकाम, शुबह इजरा के साथ तावन,
ये सवाल थोड़ा पांचवा लंबा है, आप लोगों ने अपने हिसाब से इसको शॉर्ट कर लेना है आपने। अक्सी नगोल की तैयारी, टिकटों की मालियत व अखराजात का तयन, नायब कासद की खिदमात बराए जामियाती कैंपस, इतलात बराए नामा बराए मुस्तगिर। अच्छा, ये आपने नौवा और दसवीं सुर्खी आपने छोड़ देनी है। आपने आपने आ जाना है सीधा इस सुर्खी पर, बैन अलाक़वामी रियायत कुतुब मवाद का इज़ा और कुतुब खानी जाल, आपने इस तरफ आ जाना है और इसको आपने लिख देना है इधर तक, इधर तक इसको आपने सिर्फ ये लिखना है। उसके बाद फिर आपने ये लिखने के बाद आपने सीधा आ जाना है इधर, ये इधर से आपने स्टार्ट कर देना है। इज्तमाई कैटालाग का होना लाजमी है और फिर इधर तक। और ये असाइनमेंट भी हमारी पूरी हुई है 423 की एक और दो। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू आ रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो इतनी थी, अल्लाह हाफिज़।